जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है आइए देखिए। उनकी खड़ी फसल पर डंगर नहीं छोड़े थे। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि इनका समाज इनको अपने ही बेटे से लड़ा रहा है। तेरी प्रॉब्लम ये शराब है, जिस दिन छोड़ देगा ना सब ठीक है। या करण की भूमि है, यहाँ अपनों के लिए अपनों से लड़ने ऐसे वकील सब आप मुझसे जो मर्जी करो, पर ये राजनीति मुझसे ना। कीचड़ से कीचड़ साफ ना होता जी, आप लोगों को ऐसे काम में आगे आना चाहिए। आदमी को शक्ति उसके मन से मिलती है। दारू पी के अच्छे बुरे की समझ को नहीं। अगर ये इतनी बुरी चीज है तो पापा क्यों पीते हैं माँ? कुछ भी हो जाए इस आदमी को तो रोकना ही पड़ेगा हमें। इसने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ धरना दे रखा है। ये जो पप्पर शेर होता है ना, या तो ये खुद मर जाता है या मार देता है, मगर अपना इलाका नहीं छोड़ता। सतपाल चौहान नाम है मेरा, पृथ्वीराज चौहान के बाद सच। बंद आंखों से तीर चलाने वाले आज भी कई होते हैं हमारे यहाँ, पर मेरी आंखें तो भी सही सलामत है। देश को अगर मजबूत करना है तो नींव को मजबूत करना होगा। तो ये था ट्रेलर जो आपने अभी देखा, एसपी चौहान अ स्ट्रगलिंग मैन। दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी है। तो इस मूवी का जो शूट किया गया है मुंबई के कलाकारों द्वारा शूट किया गया है, यानी कि जो इसमें हमारे स्टार लीड थे मूवी में जिम्मी शेरगिल, युविका चौधरी और यशपाल शर्मा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस मूवी के अंदर। हमारे समाज सेवी यानी कि एसपी चौहान बचपन से ही बहुत कार्य थे समाज सेवा में, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी लाइफ को लेके ये मूवी बनी है। तो ट्रेलर में आपने देखा है कितनी शिद्दत कितनी ईमानदारी से ये मूवी बनाई गई है। इसमें बहुत सारे कलाकार मुंबई से हैं, मैक्सिमम कलाकार हरियाणा से हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप सब ये मूवी देखना ना भूलें। जहाँ तक मैं कहानी की बात करूँ तो कहानी को बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है। कहानी में कोई ऐसा मतलब कि आपको ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो कि भद्दी हो, समाज में देखने लायक ना हो। इस मूवी को आप अपने परिवार के साथ बैठकर बड़े आराम से देख सकते हैं।